आज हम बात करने वाले हैं यस गॉड यस मूवी की, जो 2019 में रिलीज हुई है और IMDb पे इसकी रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। ये कॉमेडी और ड्रामा मूवी है। ये मूवी एक टीनेज लड़की के सेक्स डिजायर को लेकर एक्सपीरियंस को दर्शाने की कोशिश करती है। वो इस एज में क्या फील करती है और जब वो अपनी फीलिंग किसी को बताती है तब उसे क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसी पे ये मूवी बनाई गई है। सो अब चलते हैं मूवी की तरफ, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। इस मूवी की शुरुआत होती है एलिस से। एलिस को मर्दों के साथ इंटीमेट होने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक हाई स्कूल में पढ़ती है जहाँ के टीचर का नाम मर्फी है। यहाँ फादर मर्फी उसे कुछ मॉरलिटी की बातें बताते हैं। वो बताते हैं कि कोई भी फिजिकल रिलेशन जो बच्चा पैदा करने के लिए नहीं किया गया है वो एक तरह का क्राइम है। और एलिस अब उस एज में पहुंच चुकी थी जहां पर फिजिकल इंटरकोर्स की काफी इच्छाएं होती है। वो इन सब के बारे में किसी से डिस्कस करना चाहती है पर किसी को बता नहीं पाती। फाइनली वो अपनी फ्रेंड लॉरा को ये सब बताती है, पर लॉरा भी उसकी फीलिंग के बारे में नेगेटिव रिस्पॉन्स देती है। इस कारण अब एलिस को भी लगता है कि उसकी फीलिंग्स एक क्राइम है। कुछ दिनों बाद लॉरा वीकेंड पे एक पार्टी थ्रू करती है। यहाँ एलिस के साथ उसका क्लासमेट वीड भी है, और स्कूल के दूसरे दिन ही ये रूमर फैल गया है कि एलिस वीड के साथ इंटीमेट हुई थी, पर एलिस इन सब बातों से इनकार कर देती है। एलिस सबको बताने की कोशिश करती है कि उसे इस रूमर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अब ये रूमर मिस वेड़ा के पास भी पहुंच गया था, जो उसी स्कूल में एक टीचर थी। मिसेस वेड़ा भी एलिस के बारे में जानकर उसे सर्व करने से मना कर देती है। कुछ समय बाद एलिस फादर से मिलती है और उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है, और फादर उसे 20 प्रेयर की सजा दे देते हैं, और एलिस पूरे दिल से अपनी सजा को पूरी करती है। ये सब होने के बाद एलिस और लॉरा दोनों मिलकर एक स्कूल के ट्रिप पर जाते हैं। जब ये सब लोग ग्राउंड पहुंचते हैं तब लॉरा देखती है कि नीना इस इवेंट की लीडर है, और एलिस यहाँ पर क्रिस को देखती है, वो भी यहाँ का एक लीडर होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस काफी फ्रेंडली है और दोनों में धीरे धीरे बॉन्डिंग अच्छी बनती जाती है। उसी रात एलिस अपने सेल फोन पर गेम खेल रही होती है, तब उसका ध्यान जाता है कि फोन के वाइब्रेशन से वो अपने आप को प्लेजर दे सकती है, और वो ऐसा ही करने लगती है। तभी वो सामने लगी हुई जीसस की तस्वीर को देख लेती है, इससे वो रुक जाती है। अगले दिन एलिस क्रिस के नजदीक जाने का कोई बहाना ढूंढने लगती है। वो एक झूठ इंजरी का बहाना बनाती है। इस तरह वो क्रिस के नजदीक जाने में कामयाब हो जाती है। और दूसरी तरफ नीना एलिस का फोन जब्त कर लेती है, क्योंकि वहां पर फोन अलाउ नहीं होते, और इस गलती के कारण फादर एलिस को रिट्रीट पर क्लीनिंग का काम दे देते हैं। एलिस जब वहां क्लीनिंग का काम कर रही होती है तब वो फादर के कंप्यूटर को देखती है, और वो कंप्यूटर को ऑन करके वहां चल रहे चैट रूम में कुछ अडल्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। वो कुछ और जानकारी निकाल पाए उससे पहले उसे किसी के आने की आहट होती है, तो वो जल्दबाजी में कंप्यूटर को बंद करके वहां से चली जाती है। और वहां से वो निकलकर वो नीना के पास पहुंचती है, और यहाँ पे नीना एलिस से कहती है कि उसने बीड के साथ संबंध बनाए थे, और जो रूमर बीड के और उसके बारे में चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। फिर फादर एलिस को अपने रूम में बुलाते हैं और उसे फोर्स करते हैं कि वो बीड के साथ अपने संबंध को एक्सेप्ट कर ले, पर एलिस उसे साफ साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि अभी तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर फादर को अब भी उसके बातों पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद एलिस बीड को कन्फर्म करती है। वो बीड को कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल में बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, और मुझे इसकी पनिशमेंट भी दी जा चुकी है, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और सबको बताना होगा कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर यहाँ पे वेड उसकी बात नहीं मानता। इन सब के बाद एलिस को फिर से क्लीनिंग का काम दिया जाता है, और वो क्लीनिंग करते हुए विंडो से देखती है कि नीना किसी सीनियर के साथ इंटीमेट हो रही है। एलिस ये सारी बात अपनी फ्रेंड लॉरा को बताती है, पर वो ये बात मानने को एग्री ही नहीं होती कि नीना ऐसा कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे लॉरा उल्टा एलिस को ही ब्लेम करती है कि उसने फादर के ऑफिस में घुसकर उसके कंप्यूटर से छेड़खानी की है, और यहाँ पे दोनों के बीच में झगड़ा होता है। इसी के साथ लॉरा एलिस के साथ अपनी दोस्ती को भी खत्म कर देती है, और वो एलिस को नया नाम देती है पावर साइको। लॉरा से दोस्ती टूटने के बाद एलिस फादर के पास पहुंचती है। यहाँ वो वेड को फादर के कंप्यूटर से छेड़खानी करने के लिए फ्रेम करती है, और फादर जब ऑफिस में आते हैं फादर कंप्यूटर पर एक अडल्ट फिल्म देख रहे हैं, और इसे देखते हुए खुद को वो प्लेजर दे रहे हैं। ये देखकर एलिस वहां से चली जाती है। बाहर आकर वो क्रिस से मिलती है। यहाँ वो अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और क्रिस को किस कर लेती है, और क्रिस इस सब से काफी नर्वस हो जाता है और वो तुरंत वहां से भाग जाता है। अब एलिस अपनी फीलिंग्स और आसपास के लोगों के बिहेव के कारण काफी परेशान हो चुकी थी। वो उस कैंप से भागने की कोशिश करती है। वहां से वो एक लेस्बियन बार में पहुंचती है। यहाँ पे उसकी मुलाकात बार के ओनर जीना से होती है। वहां पे एलिस अपनी फीलिंग्स के बारे में जीना को सब कुछ बता देती है। तब जीना उसे बताती है कि एलिस ने कोई भी क्राइम नहीं किया है, वो जो कुछ भी अब महसूस कर रही है वो इस उम्र में होना स्वाभाविक है, और वो आगे बताती है कि तुम अगर इसी तरह खुद को ब्लेम करती रही तो तुम्हारा मेंटल डेवलपमेंट कभी नहीं होगा, और जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती जाएगी तुम्हें और भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जीना यहाँ पर एलिस को बहुत कुछ समझाती है और वापस उसे कैंप में छोड़ाती है। छोड़ने से पहले वो उसे कहती है कि स्कूल से निकलकर वो US के वेस्ट साइड में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकती है, वहां उसे अच्छी एजुकेशन मिलेगी। अब हम देखते हैं कैंप के आखिरी दिन वो एक नए स्टूडेंट से दोस्ती कर लेती है, और फादर वेड को अपने कंप्यूटर में लॉग इन करके छेड़खानी करने के आरोप में सजा दे देते हैं। अब ये साफ हो गया था कि कंप्यूटर में छेड़खानी करने के लिए एलिस जिम्मेदार नहीं है, तो लॉरा फिर से उससे दोस्ती कर लेती है। इस कैंप के लास्ट में एक शेयरिंग सेशन होता है जिसमें हर किसी को अपनी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होता है, और जब एलिस की बारी आती है तब वो बताती है कि यहाँ मौजूद हर कोई कोई न कोई बात छुपा रहा है।
वो कहती है कि भगवान ने हम सबको बराबर बनाया है, तो हमें एक दूसरे की फीलिंग का सम्मान करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करते हुए एक दूसरे की टांग खींचनी चाहिए। इस बात को सुनकर सभी लोग उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं। फिर स्कूल में पहुंचकर वो क्रिस से मिलती है। वहां उससे बोलती है कि अगर हमारे रिलेशन से तुम्हें प्रॉब्लम है तो हम नॉर्मल दोस्त भी रह सकते हैं, जिसे क्रिस एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर वो फादर से मिलने जाती है और वो फादर को बताती है कि उसने फादर को कंप्यूटर में पोर्न देखकर हस्तमैथुन करते हुए देख लिया था। तो ये सुनकर फादर उसे 100 प्रेयर की सजा देते हैं, पर एलिस उसे करने से मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि उसने कोई गलती नहीं की है। ऐसे में सजा कैसी? वहां से वो घर आ जाती है और टाइटेनिक मूवी को देखते हुए अपने आप को प्लेजर देती है। इसी सीन के साथ मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और भी कुछ बताना हो तब कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट मूवी है द स्लीपिंग ब्यूटी, जो 2011 में रिलीज हुई थी। एक सुंदर लड़की की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि वो पूरी रात एक मुर्दे के साथ सो रही थी और उसे ये काम गरीबी के कारण करना पड़ता है, जहां पर अमीर क्लाइंट के साथ उसे ड्रग्स लेकर सोना पड़ता है। पर उसके भी कुछ नियम और कायदे होते हैं जिन्हें उस लड़की और क्लाइंट दोनों को मानना पड़ता है। इसी प्लॉट पर एक शानदार मूवी बनाई गई है। इस मूवी को देखने के लिए ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करें और दूसरी मूवी देखने के लिए नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।